Chamat Karsandu reporting for Sony Sports Network in India here in Louisville, Kentucky, for the reason I'm here. And it is the debut this weekend of the very first Indian female fighter in UFC history, Puja Toma. And Puja, it's so good to see you. First of all, how does it feel to finally be just hours away from making your UFC debut? ये बहुत अमेजिंग है मुझे ऐसा अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं यू में हूँ और इंडिया से एक लड़की को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ पहले एक्सपीरियंस है यू एफ सी से सो दिस एक्सपीरियंस विद being here in America सब कुछ बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से जा रहा है लेकिन अभी मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ा वेट कट किया है अपने कोच के साथ वो थोड़ा मेरे एक किलो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने दस किलो कम कर दिया है बट सभी बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो रहा है पहले ही यू में मैं इन्जॉय कर रही हूँ in in tackling this challenge and fighting Ryan mai mujhe apne maine apni striking pe aur fight ke liye aur believe karti hu ki main apni ye fight apni striking se finish kar dungi aur mujhe ye fight ground mein nahi le jaani hai aur main ready what does this mean to everybody back home in india for you to be the very first indian female fighter in ufc history but also nobody before you has been able to win in the UFC that's born and raised in India. So, what will it mean to you to finally get that first victory for India? Uh, he ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे हूँ और दूसरा ये कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ और ये मेरे इंडिया की मेरे स्टेट की और मेरे गांव की लड़कियों के लिए बहुत ही एक गेट ओपन होने वाली बात है कि जो घर से बाहर नहीं निकलने देते पेरेंट्स आज मैं एक वर्ल्ड नंबर वन एम एम उसमें हूँ आज मैं एक वर्ल्ड वर्ल्ड स्टेज पर खेल रही हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है और uh, मैं ये फाइट जीतती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया की सभी लड़कियों के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा ये मैं फाइट जीतती हूँ तो ये एक सभी पेरेंट्स के लिए जो अपनी बेटियों को लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इन एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा कि हाँ जब ये लड़की कर सकती है एक छोटे से गांव से निकल के और वर्ल्ड स्टेज पे खेल सकती है तो हमारी लड़कियाँ क्यों नहीं How does it feel to get all the support, people in the Instagram and the comments? Everyone's rooting you on and cheering for you. How does that make you feel? Uh, I feel proud. Everybody support me. Everybody say, "Oh, puja, let's go, let's go." But these days, I'm not handing my Instagram. My manager hand, handle because I feel like that I'm social media तो मेरे मैंने जो जो है हैंडल कर रहे हो मुझे बता रहे पूजा इंडिया से बहुत सपोर्ट मिल रही है और पहले से भी मैं देखती हूँ कि हाँ मुझे ज़्यादा निगेटिव लोग नहीं है बट पॉजिटिव लोग बहुत है मेरी लाइफ में जो सपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल वट इज देशी बैक होम इन इंडिया प्लीज़ आप लोग देखिएगा जरूर और हाँ थोड़ा सा जगना पड़ेगा लेट नाइट बट ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और ये फ़ाइट बहुत अच्छी जाने वाली है तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि सब प्रेयर करें और अपनी ब्लैसिंग मुझे दे और मेरी फाइट को लाइट देखें इंडिया चक दे पूजा, गो चक दे इंडिया, चक दे